हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जो बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है कि सीसीएस वालों ने अपनी वेबसाइट पे एक अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 2022 तक जो भी बच्चे अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं उनकी जो डिग्री है वो अब बेटा आप लोगों को यूनिवर्सिटी से ना मिलके आपके अपने कॉलेज से मिलेगी। जिस कॉलेज से आपने फॉर्म सबमिट किया था उस कॉलेज में आप जाकर के अपनी डिग्री वहां से ले सकते हैं। अब आप लोगों को सीसीएस यूनिवर्सिटी जाकर के यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉलेज जाइए, आपको वहीं से आपकी डिग्री मिल जाएगी 2022 तक वालों के, ठीक है। और आपको किसी भी तरीके की कोई फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। डिग्री आप लोगों को आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग दे दी जाएगी। मान लीजिए आपने एमए किया है तो आपको एमए की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों ने एमकॉम किया है उनको एमकॉम की डिग्री मिलेगी। तो आपकी मार्कशीट देखी जाएगी और उसी के बेस पे आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। किसी भी तरीके की आपको कोई भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज वाले आपसे फीस मांगते हैं तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के उनका जो नंबर है ऑफिस का उस पर आप फोन करके शिकायत कर सकते हैं कि आपके कॉलेज वाले डिग्री के लिए फीस मांग रहे हैं। क्योंकि सीसीएस वालों ने बिल्कुल साफ कहा है कि डिग्री के लिए बच्चों से किसी भी तरीके की कोई भी फीस जो है वो कॉलेज वाले नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे 2022 तक के हैं जिन्होंने अपना पीजी कंप्लीट किया है, उससे पहले जो भी साल रहे हैं उनमें कंप्लीट किया है, तो बेटा आप लोग अपने कॉलेज से जाके जहां से आपने अपना फॉर्म सबमिट किया था, अपनी स्टडी करी थी, उस कॉलेज से आप जाकर के अपनी डिग्री ले सकते हैं। और जिन बच्चों की डिग्री नहीं आई है कॉलेज में वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपनी डिग्री लेने के लिए। क्योंकि डिग्री जो है बेटा वो 3 सालों के अंतर आ जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है वो 2019 में आपने अपना पीजी कंप्लीट किया है तो 2022 तक आपकी डिग्री जो है वो आ जाती है, 3 साल के अंदर आपकी डिग्री आ जाती है। तो अब आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी डिग्री जो है वो आप ही के कॉलेज से जहां से आपने अपना फॉर्म सबमिट किया था वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को डिग्री से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक अगर आपने अपनी डिग्री नहीं ली है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जाकर के अपने कॉलेज से जल्दी अपनी डिग्री ले लीजिए और कोई फीस सबमिट मत करिएगा, किसी तरीके की कोई फीस नहीं लगेगी। हाँ, हो सकता है डिग्री के लिए आपसे फॉर्म भरवाया जाए तो आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के जाइएगा। जो लास्ट मान लीजिए अगर आपने एमए किया है प्राइवेट से तो आप अपनी फोटोकॉपी ले जाइएगा, आपके जो भी दोनों सालों की फोटोकॉपी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की लेकर के जाइएगा, प्लस आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाइएगा और अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो तो उसकी भी फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा। ये सारी चीजें आप लेके जाइएगा, फॉर्म सबमिट होगा तो आप फॉर्म सबमिट करके और अपनी डिग्री ले सकते हैं। थैंक यू।